गोरखपुर के जहां थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करौता में गुरुवार रात 18 वर्षीय ज्वालानंद गौड़ के पेट में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक तमंचा भी बरामद किया है, जिससे माना जा रहा है कि गोली इसी तमंचे से चली है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक के परिजनों का आरोप है कि किसी ने उसे गोली मारी है, जबकि पुलिस का मानना है कि युवक कमर में लोडेड तमंचा खोसे हुए था, जो गलती से चल गया। गोली लगने के बाद युवक ने तमंचा कुछ दूरी पर फेंक दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि घायल युवक का इलाज जारी है और ठीक होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। इस संबंध में एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि घायल युवक तीन भाइयों में सबसे छोटा है। तमंचा कहां से आया और गोली कैसे चली, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, थाना जगह में रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक की गोली लगी है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से उसको मजरूप को हॉस्पिटलाइज कराया गया। मजरूप के पेट में गोली लगी है, वहीं एक तमंचा पड़ा हुआ मिला। घटना के सारे तथ्यों के बारे में, गोली कैसे लगी, किसने चलाई, स्वयं की लग गई, तमंचा कहां से आया, इनकी जांच की जा रही है।